Yesterday's fool again. बे यार ये क्या भिंडी बाजार स्कूल है। मेरे मतलब कि कोई भी लड़की नहीं है, जो है उनके बॉयफ्रेंड है, नहीं तो कोई टॉम बॉय। भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, लड़की ही ना मिल जाएगी, नौकरी थोड़ा ना जो मिलेगी नहीं। अबे बिल्कुल सही कह रहा है ये, अब अपने उस मजनू भाई को ही देख ले। मजनू? कौन मजनू? अरे मजनू भाई मजनू, वो 12th क्लास वाले, वो भी तेरी तरह अपने दोस्तों के कंधों पे सर रख के आंसू बहाया करते थे। और क्या, उनका भी क्या बंदीबाजी का क्या सीन था, जब को मिल गई खुशियां सारी, हम ठहरे मजनू सिंगल बिहारी। अरे क्या बोला भाई, फिर क्या, ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और भेज दिया सुनीता मैडम को अपने स्कूल में। पहले तो मुश्किल लगा टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी का, लेकिन क्या भाई, मजनू भाई की साड़ी बढ़ा दी, फिर सुनीता मैडम के पैरों से सर गई और आज उनकी रिलेशनशिप को सीक्रेट ले 3 साल हो गए। साले तू कुआरे ही मरेगा पोपटलाल। अबे भाई तू इतना डिमोटिवेट मत हो, तेरे लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्यार फाउंटेन चलेगा जरूर, और वो दिन दूर नहीं जब तू भी प्यार की पानी में तैरेगा और नारियल पानी पिएगा। और चोदी करा लो तुम मुझसे बस, जितनी मर्जी काम की बातें तो होती नहीं है साले बेले। भाई मेरे सपनों की रानी मिल गई। कौन ये? भाई मैंने तुम्हें पॉजिटिव रहने के लिए सजेशन दिया और ये तुम्हारी सुनी कहाँ करती? क्यों बे, क्या बुराई है इसमें, सब तो बढ़िया ही है और सूर्या को आई गेस पसंद भी है। हाय मैं मर जाऊं। फ्रेंड्स पसंद तो आशिकी के लिए छोटी चीज है, ये तो लव एट फर्स्ट साइट है। अबे वो चमन चुटी है, वो हमारे प्रिंसिपल की डॉटर है, अगर प्रिंसिपल को पता भी लग गया ना तो हम स्कूल के अंदर नहीं स्कूल के बाहर पढ़ रहे होंगे, और वैसे भी हम कहाँ क्लास के लोफर स्टूडेंट और वो क्लास की टॉपर। रहने दे भाई, मामला आउट ऑफ लीग है, तेरे बस का नहीं है। भाई मामला आउट ऑफ लीग का नहीं है, प्यार का है, और उसको पाना मेरे को पैसन बन गया है। वैसे उसको लड़की लड़की कहना ठीक नहीं है। भाई भाभी का नाम क्या है? माया। माया माया आया कुछ भी नहीं, खाली है। ये भी ठीक है। यू नो आई हेट क्रिमिनल्स, जी तो करता उनका गला काट दूं। कोई नहीं जी, ये भी इंसान ही होता है, इनमें से भी बुराइयां निकाल दो तो ये हमारे जैसे इंसानी हो जाएंगे। ये लाइन कुछ सुनी सुनी सी लगती है, बाय द वे यू आर अ गुड ह्यूमन मिस्टर सूर्य। ओके बाय। क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तेरी इस कसी के पीछे मैडम माया का हाथ तो नहीं है? भाई सिर्फ माया की हाथ है, माया की आंखें, माया की बातें, माया की टांगे, पूरी की पूरी माया। यार तुम समझो ना। ये भी ठीक है, तो प्रपोज करने का क्या सोचा है फिर? भाई प्रपोज का तो प्लान है, आज वो लंच में मेरा इंतजार कर रही होगी, लंच में मैंने जाना है और हमेशा के लिए उसको अपना बना लेना। ये भी ठीक है, तो हम भी आएंगे फिर। तुम क्यों आओगे बे? अरे उसका मतलब गुड मोमेंट यार, रोज सावर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, जैसे शादियों में होता है। हाँ ये भी ठीक है।
जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे दिल की धड़कन बाहर आ गई। क्या चूतिया है आदमी है, वही घिसी पिटी लाइन मारता रहता है। अबे चुप रे, राइटर ने वही लिखा था स्क्रिप्ट में। हाँ, क्योंकि इससे पहले तुम जैसी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी। देखो बातें तो तुम्हारी नहीं आती मुझे, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू। अरे बहन चो, अरे बहन भाई, ये क्या बवासीर है? आई लव यू मोर सूर्या। धोखेबाज, मुझे लगा तू मुझ पे जान छिड़कता, लेकिन तुझे तो ये पसंद है, ये नॉर्थ पोल की पेंगुइन। अरे नहीं यार, तू बात, अरे तू कहां से बीच में आ गई यार, ये हमारा स्पॉट था ना। हेलो, ये बातें मत घुमाओ, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम जैसा नीचा आदमी मैंने नहीं देखा। अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं ना। बस बस बस। जब से रिलेशनशिप शुरू हुआ है ना, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ने का, पर जी करता है आपसे बातें करता रहूं। रिप्लाई तो तेरा आता नहीं है, और अगर मैं गलती से तेरे को बेबी लिख दूं तो उधर से तेरी मम्मी का मैसेज आ जाता है, और बहू कैसी हो? वो तो प्रैक्टिस कर रही है ताकि सास बहू में शादी के बाद लड़ाइयां ना हो। ओह अच्छा, इतना श्योर हो? इतना श्योर हूं जितना मैं अपने कुत्ते टॉमी को सुबह 6 बजे हंगने को लेकर। आई हाय छी, तू मुझे पॉटी से कंपेयर कर रहा है? मतलब पॉटी, आर यू सीरियस? तेरी तो सोच भी पॉटी है और मिसाले भी। यार तू एंग्री मत हो, वैसे भी हर दम मेरी सोच में तू ही तो है, पॉटी नहीं। तू ना बस रहने दे। और भाई क्या हाल है? आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड। कोई ना, तू ही बता दे और क्या चल रहा है। भाई कुछ खास नहीं चल रहा, जब भी मैं रोमांटिक होने को जाता हूँ ना, इस साली बीच में टट्टी आ जाती है। 10 साले आराम कर कहीं का। भाई तू मेरी छोड़, यहाँ तो सब रायता फैला हुआ है, तेरी कसीस से बात आगे बढ़ी कि नहीं? हाँ हाँ बता। अरे भाई उसे पाना यानी ख्वाबों मुमकिन है, असलियत में तो आउट ऑफ लीक है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, मैंने तो उससे कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन। लेकिन क्या? बहन तू सेटिंग करा दे मेरी, तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तेरे भाई का भी घर सेट हो जाए। अच्छा तो लगेगा। तो बस तू मेरे लिए बात कर ले उससे, और हाँ तू मेरी केवल गुड हैबिट्स ही बताइयो। ओ चमकादर, तेरे ये काम हम कर तो देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुझे, सब तो है तेरे पास। देख भाई, मैं तेरा काम 100% कर दूंगी, पर उसके बदले में मुझे 0.5 लीटर फ्रूटी चाहिए। ओके डन। और हाँ, मेरे लिए एक डोमिनोज फार्म हाउस चीज पिज्जा लेके आना। अरे तुम सेटिंग तो कराओ, तुम्हारे लिए खाने पीने की हर चीज मंगा दूंगा, पैसे की कमी थोड़ी ना है। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। अरे भाई पता नहीं कहाँ पर रह गए, इतनी देर हो गई। हाँ हाँ, रहा नहीं जा रहा, कुछ तलब ही ऐसी है। अबे साले। अरे भाई तू समझ रहा है ना, मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है, तू समझ ना। देख वो लोग आ गए। राधे, she's Kashish. Kashish, he's Radhe.
मैंने सुना है तुम शायरी भी लिखते हो। हाँ कभी कभार, खासकर कि तब जब मैं तुम्हें अपनी मन की आंखों से नज़दीक महसूस करता हूँ। अच्छा जी, तो सुनाओ कुछ जो मुझे नज़दीक मानकर लिखा है तुमने। अर्ज किया है इरशाद, इश्क की गहराइयों में खूबसूरत क्या है, तुम हो मैं हूँ और किसी की जरूरत क्या है। उस्ताद देख रहे हो, तुम्हारे पैंदे को कोई और उड़ा लग गया, मुझे तो ये उड़ान बहुत लंबी लग रही है। उस्ताद ये सड़क छाप आशिक की तरह सड़ना बंद करो, नहीं इनके लड़के तुम्हें लव स्टोरी में मामा बुलाना शुरू कर देंगे, फिर घुमाते रहना इनको दशहरे का मेला। मुझे तो नहीं लगता हमारे उस्ताद के पिछवाड़े में रत्ती भर का जिगरा है। पिछवाड़े में कब से जिगरा आने लगा साले, साइंस नहीं बढ़ी क्या, जिगरा कलेजे में होता है। भाई कलेजे से याद आया, आज चलते हैं अब्दुल को होटल, कलेजा ही खाएंगे रोटे के साथ। अरे यार रोटा नहीं यार, तंदूरी करा लेंगे, रोटा मेरे हलक से नहीं उतरता, ऐसा लगता है गले में किसी ने फंसा दिया। तुम दोनों ने बावली गान सब सुना है? हाँ उस्ताद, किसने नहीं सुना है? तो ऐसा करो अपने नाम के पीछे लगा लो बावली गांड, इश्तियाक बावली गांड, स्पर्श बावली गांड। सॉरी बॉस, लेकिन आप भी तो कशिश से बेइंतहा प्यार करते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये कैसे समझूं। बॉस तुम्हारा खून नहीं खुल रहा है, ऐसे हाथ पे हाथ धर के क्या होगा? जीने दो इन्हें इनकी लव स्टोरी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द सुनामी आने वाली। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? मैम ये क्या हो रहा है आपके स्कूल में? क्या हो रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल है। बस आप यहीं तो धोखा खा गए मैडम, आपके पीठ पे जो स्कूल में वेस्टर्न वाला रोमांस हो रहा है राधे और कशिश के बीच। व्हाट रबिस, तुम जानते भी हो तुम क्या एलिगेशंस लगा रहे हो उन दोनों पर? राधे इज स्पोर्ट कैप्टन ऑफ दिस स्कूल एंड कशिश इज द स्कॉलर। मेरा काम है आपको बताना कि स्कूल में क्या चीज हो रहा है और क्या चीज नहीं, और बाकी तो आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं कि अगर किसी आउटडोर पर्सन को पता चल गया तो स्कूल की कितनी बदनामी हो सकती है। ठीक है मैं चेक करती हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी बात गलत निकली ना तो तुम्हारा डीसी तो मैं काटूंगी। इंचार्ज पागल वागल है क्या? मेरे होते हुए स्कूल में ये सब नहीं चलेगा, और तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? मैम आप ऐसे ही किसी को नहीं मार सकती हो, वी नो ऑल द स्टूडेंट लॉस। ओ अच्छा, ज़्यादा किताबें पढ़ ली है तुमने मिस स्कॉलर, मैंने अगर रेड कार्ड इशू कर दिया ना अराउंड दिल्ली NCR के किसी भी स्कूल में तुम दोनों को एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैम यस यू मिस्टर स्पोर्ट कैप्टन, थोड़ा कायदे में रहो। एक्सक्यूज मैम, आई रिस्पेक्ट एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, और हाँ उन रूल्सों में तो ये लिखा ही नहीं कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। आप चाहती ही नहीं है कि एक लड़का और लड़की साथ में प्यार से रहें, तो इस स्कूल में को एजुकेशन सिस्टम क्यों है? और हाँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आप किसी भी स्टूडेंट को फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते। यार तुम्हें तो बहुत नॉलेज है, मतलब इट्स फैब, तुम्हें ये सब कैसे पता है? क्योंकि कुछ लड़के इंटरनेट का यूज विकिपीडिया पढ़ने के लिए यूज करते हैं। इंप्रेसिव। शिट यार मेरी ये चला गई भी खराब हो गई। अरे तुमने बताया था ना तेरी बहन की। Hey everyone, this side झलक पांडे, तो आज आप देख रहे हैं ताजा ताजा लड़ाई जो हो रही है मेरे
बॉयफ्रेंड और विनय के बीच में। आगे की खबरें देखने के लिए कि कोई जिंदा बचता है कि नहीं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ये तगड़ी लड़ाई। और इसके साथ साथ अगर आपको आगे की खबरें चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल झलक पांडे। तो अभी के लिए बाय। 'Cause I found my way.